अब मेरी बारी है, इस बार तू हारेगा टाइगर। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं, वादा करता हूं टाइगर। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब क्या चल रहा है? टाइगर 3 चल रहा है क्योंकि ये मूवी बस 2 दिन बाद आ रही है और सॉलिड तरीके से फटने वाली है क्योंकि एडवांस बुकिंग सुपर एंड सुपर सुपर अमेजिंग चल रही है। बुक माय शो इंटरेस्ट से शुरुआत करेंगे, कितनी इसने अभी तक बुकिंग ले ली है, कितने टिकट अभी तक बेच दिए हैं, सारी रिपोर्ट कल रात तक की है। अभी सुबह जो भी ऑफिशियल आएगी उस पर नई वीडियो बना दी जाएगी, दोपहर के टाइम में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अभी बहुत सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, रुझान देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी तक देखा जाए तो मूवी से इतना एक्सपेक्टेशन करा नहीं जा रहा था क्योंकि वो बस देखने को नहीं मिल रही थी। मूवी जब 12 नवंबर को रिलीज होने वाली है उसके बाद जब इसके पॉजिटिव रिव्यू आएंगे तब देखना है मूवी कैसे रफ्तार पकड़ने वाली है। तो सभी चीजों पर बात करेंगे, कितनी एडवांस बुकिंग अभी तक हो चुकी है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एडवांस बुकिंग अब बहुत सॉलिड हो चुकी है। हिंदी अगर 2D से मैं आपको बताऊं तो 8,40,00,000 की बुकिंग सिर्फ हिंदी सिंगल स्क्रीन 2D से ले चुकी है ये मूवी और टिकट यहां पर इन्होंने बेच दिए हैं लगभग 3,13,000 के आसपास या 15,000 के आसपास। सो जिनके खाते में सिर्फ 2D से हिंदी 2D से आ चुके हैं 10,700 प्लस के आसपास सो जिन्होंने अपने खाते में रख लिए हैं। भाई साहब बहुत सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, बहुत सॉलिड, क्योंकि देखो जवान और पठान के टाइम पर भी हमें वही चीज़ देखने को मिली थी। यस, यहाँ पर अब रुझान अब तेजी से पकड़ने लगा है। IMAX की बात करें, हिंदी IMAX की, तो 44,00,000 की एडवांस बुकिंग वहाँ से हो चुकी है और 7,000 प्लस टिकट उन्होंने बेच दिए हैं हिंदी IMAX से। 4DX की बात करें, हिंदी 4DX की, तो लगभग 9,00,000 की एडवांस बुकिंग वहाँ से हो चुकी है और 1,500 टिकट उन्होंने वहाँ से बेच दिए हैं हिंदी 4DX से। तेलुगु से देखें तो भाई तेलुगु भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। साउथ की सिनेमा में भी अब थोड़ा सा बॉलीवुड का बज़ देखने को मिल रहा है आफ्टर जवान, क्योंकि जवान से पहले इतना ज़्यादा बज़ देखने को नहीं मिलता था। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर साउथ में मूवी नहीं चल रही है, लियो मूवी अलग चल रही है, उसके बाद टाइगर नागेश्वर राव अभी भी चल रही है, तो साउथ में भी मूवी चल रही है, लेकिन फिर भी टाइगर 3 को अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जी दोस्तों, 10,00,000 की एडवांस बुकिंग अभी से हो चुकी है और जब ये मूवी आ जाएगी तब तो ये और तबाही करने वाली, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बहुत काम करने वाला है। भाई साहब कंटेंट शानदार आने वाला है, इस मूवी को पॉजिटिव से पॉजिटिव रिव्यू मिलने ही मिलने वाले हैं, और अगर जबरदस्त रिव्यू मिल गया तो सेकंड डे से इसके रुझान देखना आप, सेकंड थर्ड या फोर्थ डे में जो हाईएस्ट रैंकिंग जाने वाली है, हाईएस्ट कलेक्शन जाने वाला है, फाड़ के जाने वाला है। तो टोटल टिकट कितने सोल्ड आउट कर दिया है इन्होंने कल रात तक, अभी अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 3,30,000 के आसपास टोटल टिकट सोल्ड आउट कर चुके हैं। सो जिनके खाते में कल रात तक आ चुके थे 11,350 के आसपास। तो ये सब तो बात की बात रही यार, मुद्दे की बात पे आओ कि अभी तक इनके हाथ कितना लगा, मतलब अभी तक ये मूवी कितना कमाई कर चुकी है। भाई साहब 10 करोड़, लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ का एडवांस कलेक्शन ये मूवी कमा चुकी है। और अभी मैं कह रहा हूँ पूरी आज का दिन बाकी है, मतलब 9 तारीख आज का दिन पूरा बाकी है, रात भी बाकी है, देन 10 तारीख पूरी बाकी है, 10 तारीख की रात बाकी है, उसके बाद 11 तारीख पूरी बाकी है, 12 तारीख की सुबह 6 बजे तक एडवांस बुकिंग चलनी ही चलनी है। और यहाँ कल से, आज से ही मैं कह रहा हूँ इस पीक हाई जाने वाला है, लेकिन कल जब 10 तारीख आएगी ना शाम से, तब देखना वहाँ पर जो सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, मतलब मिनटों में जो आंकड़े बदलते नज़र आएंगे, करोड़ों की संख्या हमें ऐसे बदलते नज़र आएगी कि अभी जैसे मान ले जाए कि 18 करोड़ पे ये पहुँच गई, तुरंत हमें देखने को मिलेगा 1-2 घंटे बाद 20-22 करोड़ पहुँच गई, तुरंत 1-2 घंटे बाद देखने को मिलेगा या 23-24 करोड़ पहुँच गई, क्योंकि लास्ट टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई तरीके से एडवांस बुकिंग होती है। तो भाई अभी तक मूवी 10 करोड़ अपने खाते में ले चुकी है और सॉलिड ले चुकी है, लेकिन एक चीज़ की यार, 20,000 प्लस शो जिसके खाते में आ जाएंगे, जैसे जवान को रिलीज कराया गया था ऑल ओवर वर्ल्ड में 20,000 प्लस शोज में, तो भाई इसके खाते में आते या नहीं आते वो चीज़ देखने लायक होगी और ज़बरदस्त देखने के लायक होगी। तो अब एक प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई ये मूवी पहले दिन कितनी कमाई करने वाली है, क्या जवान के रिकॉर्ड को तोड़ डालेगी, क्या पठान के रिकॉर्ड को तोड़ डालेगी, या फिर 100 करोड़ ये टच कर जाएगी। मैं अभी मान के चल रहा हूँ जिस हिसाब से इसका बज चल रहा है, जिस हिसाब से इसकी हाइप चल रही है, ये मूवी इजी टू इजी 70 करोड़ नेट इंडियन कलेक्शन लाने वाली है
ऑल ओवर वर्ल्ड से मे बी 105 करोड़ 110 करोड़ या फिर 100 करोड़ टच कर जाए ऑल ओवर वर्ल्ड से, लेकिन नेट इंडियन कलेक्शन में भी 70 करोड़ हो सकता है। आप लोगों की क्या राय है, क्या ये मूवी पहले दिन 70 करोड़ नेट इंडिया से कलेक्शन कर सकती है, और ऑल ओवर वर्ल्ड से क्या ये मूवी 100 करोड़ टच कर पाएगी या उसे भी क्रॉस कर जाएगी या जवान के रिकॉर्ड को भी बीट डाउन कर देगी फर्स्ट डे ओपनिंग रिकॉर्ड को? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।